हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आइए बस ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं सहारा निवेशकों के लिए बल्ले बल्ले, बहुत जल्द सहारा का पैसा होगा वापसी। चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खबर की बात है कि सहारा इंडिया सभी का पैसा वापस करने के लिए एक नया मुहिम लेकर आया है। गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल चुका है। जिन भी भाई बहनों का पैसा सहारा इंडिया में डूबा हुआ है, उन लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 48 घंटे के भीतर आपका पैसा आपके बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान गृह मंत्रालय और सहारा इंडिया के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि सहारा इंडिया के जितने भी लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, उन्होंने सहारा जल्द से जल्द वापस करे। इन मंजूरी को लेकर सहारा इंडिया ने एक क्विक लिंक जारी किया है। इस लिंक के जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन के उपरांत आपके सारे डॉक्यूमेंट की जांच होगी और आपका पैसा मात्र 24 घंटा के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सहारा के मनी रिफंड पॉलिसी की तरह यदि आप भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना चाहिए। इसके लिस्ट इस वीडियो में बताई जा रही है, जैसे कि आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, सहारा इन्वेस्टर किए गए पैसों की प्राप्ति रसीद, टोकन राशि रसीद, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता, पासबुक साइज 4 फोटो और saharaindia.com पे लॉगिन करें। और कब और कैसे होगा पैसा वापस? सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा को वापस पाने के लिए नीचे दिए इस वीडियो में दिए गए क्लिक पर आप अपने आवेदन को ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऊपर दिया गया डॉक्यूमेंट में से जिस भी डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, उसे आप ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही 1 सप्ताह के अंदर आपका पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। किसी भी तरह से कोई भी जिम्मेवारी हमारी यूट्यूब चैनल मनीष के सपोर्ट नहीं लेती है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो और अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।